तर राहुल गांधी यांच्यानंतर प्रियंका गांधी देखील राजीव सातव यांच्याबद्दल बोलताना भावुक झाल्या. सातव जी वो साथी थे हमारे जिन पर हमारा पूरा भरोसा था. शीतल स्वभाव, सच्चे दिल के इंसान जो जमीन से हमेशा जुड़े रहे, जमीन से ही उठे अपनी निष्ठा के प्रति. उन्होंने इतना काम किया, उसी काम को देखकर आगे बढ़े. सबने उनका काम पहचाना, उनकी निष्ठा पहचानी, उनकी महत्वाकांक्षा कभी भी पार्टी की लड़ाई से ऊपर नहीं रही. उन्होंने हमेशा पार्टी को प्राथमिकता दी. एक ऐसे कार्यकर्ता, एक ऐसे नेता जो हम सबसे बहुत ही जल्दी छीने गए. जब बीमार पड़े, मैंने सुना कि उन्हें कोरोना है, मैसेज डाला उनको, उनसे बात की. कभी नहीं सोचा था कि ये होगा उनके साथ, क्योंकि नौजवान थे. मुझे लगता था कि सेहत अच्छी है, हमेशा खिलता खिलखिलाता चेहरा. जैसे जैसे बीमार पड़ते रहे और हम रोज रोज फोन पे पता करते थे, राहुल जी डॉक्टरों से बात करते थे, हमें पता चलता था कि उनकी स्थिति क्या. जब थोड़ी सी बेहतर होने लगी, हम सब को ये आशा हुई कि इस लड़ाई में भी उनकी विजय होगी. हमेशा कहती रही मैं कि उनमें बहुत सहन शक्ति है, लड़ेंगे, निकल आएंगे इसमें से. मैंने उनको एक मैसेज डाला जो शायद उन्होंने फिर देखा नहीं. जब वो कोमा में चले गए थे, मैंने एक मैसेज उनको डाला कि अगर आप इस मैसेज को देखेंगे तो मन बनाइए कि इस लड़ाई को भी जीतना है. लेकिन अफसोस ये है कि शायद वो मैसेज उन तक पहुंचा भी नहीं, पढ़ भी नहीं. जब उनके साथ ये हुआ और मैं प्रज्ञा जी से बात कर रही थी, मन में ये बात आई कि नाम भी राजीव था और हमसे छीने भी उसी उम्र में छीने गए जिस उम्र में मेरे पिताजी हमसे छीने गए. वे भी 46 साल के थे, राजीव 46 साल के थे. एक उज्जवल भविष्य सामने, पूरी जिंदगी देश के लिए कुछ करने की इच्छा और देश के लिए कुछ करने की क्षमता भी इस इंसान में थी. और इनके जाने से हम सबको ऐसा दुख हो रहा है जैसे हमारे ही परिवार का कोई गुजर गया. हमारा एक निजी दुख है और पार्टी के लिए एक बहुत. एबीपी माझा उघडा डोळे बघा नीट.